कोर्ट ने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे दी है। 10 साल से ज्यादा समय से काम करने वाले कर्मियों को नियमित करने का आदेश दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट ने झारखंड में ट्रांसपोर्ट विभाग और अन्य विभागों के मामले में आदेश जारी किया है। नरेंद्र कुमार तिवारी और अन्य की 11 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये आदेश दिया। दरअसल ट्रांसपोर्ट विभाग और अन्य विभागों में 10 साल से ज्यादा समय से काम करने वाले कर्मियों ने राज्य सरकार से गुहार लगाई थी। प्रार्थियों ने इसी बाबत हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे कर्मियों को नियमितीकरण के आदेश दे दिए हैं। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है झारखंड हाईकोर्ट से, बड़ी राहत यहाँ के कर्मचारियों के लिए, कर्मियों के लिए। खास तौर पर कुछ विभागों में यहाँ जो कर्मचारी जो 10 साल से ज्यादा समय से काम कर रहे थे उसमें ट्रांसपोर्ट विभाग भी शामिल है। कामरान जिमीरिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। कामरान, बताएं जरा क्या मामला है और कितने कर्मचारी ऐसे हैं, लगभग संख्या क्या होगी उनकी? ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नरेंद्र कुमार तिवारी और 11 ऐसे लोग थे जो ट्रांसपोर्ट विभाग में बीते कई सालों से काम कर रहे थे और उन्होंने ही याचिका डाली थी नियमितीकरण को लेकर। तो अदालत ने मामले पर सुनवाई की और आज फाइनली फैसला सुना दिया। फैसला अदालत ने साफ तौर पर सुनाया है कि 10 साल से ज्यादा जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें नियमित करने का अदालत ने हाईकोर्ट को आदेश दिया है। अब इस मामले पर आगे की कार्रवाई करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी सौगात उन लोगों के लिए है जिन्होंने मामले को लेकर याचिका दायर की थी। कामरान, बताया जा रहा है कि इन्होंने राज्य सरकार से भी गुहार लगाई थी, तो क्या राज्य सरकार से इनको कोई जवाब मिला था? बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार से असंतुष्ट जवाब होने के बाद, क्योंकि आज राज्य सरकार से इन्होंने नियमितीकरण को लेकर जब गुहार लगाई थी तो जवाब मिला था, वो असंतुष्ट हुए थे। इसी वजह से इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और हाईकोर्ट में इनकी याचिका सुन ली गई, इनकी फरियाद सुन ली गई है और अदालत ने राज्य सरकार को 10 साल से ज्यादा काम करने वाले तमाम कर्मियों को नियमित करने का आदेश दे दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक जो याचिका लगाई गई थी हाईकोर्ट में और रिट याचिका दाखिल की गई थी, इसी मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। पहले राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों की, जिन्होंने राज्य सरकार से गुहार लगाई थी नियमितीकरण की, उसे खारिज कर दिया था उनकी मांग को। तब इन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था और हाईकोर्ट से इन्हें राहत मिली है और 10 साल से ज़्यादा समय से जो काम कर रहे हैं उनको नियमित करने का आदेश राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने दिया है। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।